वो अमित शाह के बेटे को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते हैं? बाजार में जब जाते हैं तो हिंदू मिडिल क्लास लोग भी टाइट हो चुके हैं। हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने के लिए आज यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं। तो बेरोजगारी तो पूरी तरह करी है नहीं, देश में सब खुशहाली है, राम राजा की अच्छी दिन आ गए। हाँ, देश भर में जो 2 करोड़ नौकरी देने के वादे किए थे प्रधानमंत्री जी ने आने से पहले, हम जानना चाहते हैं कि कितने सारे लोगों को, युवाओं को उन्होंने जॉब दिया है। हम तो जानते हैं उल्टा कि उन्होंने LIC को बेसरकारी करने की घोषणा करने पर लगे हुए हैं, उन्होंने बैंक को बेसरकारी करने पर तुले हुए हैं, उनको रेल को उन्होंने बेसरकारी करने पर तुले हुए हैं। रेल के हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो तरफ की रेलवे है वहाँ से लाखों लोगों की मतलब जॉब जाने वाली है, हम तो ये जानते हैं। तो अगर जो जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाएगी तो नए लोगों को जॉब कहाँ मिलेगी? इस देश में कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। अभी भारतवर्ष पूरे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा युवाओं छात्रों की मतलब देश है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा भूखमरी है। यहाँ पर नेताओं को पूछने पर कहते हैं कि पकौड़े तलो, जॉब बनाओ, लेकिन हम जानते हैं कि जॉब बना के और पकौड़े तल के देश नहीं चलने वाला। युवाओं के हाथ में पुख्ता नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा, ये हमको पता है, लेकिन अगर आत्मनिर्भर ही बनना पड़ेगा तो वो अमित शाह के बेटे को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते हैं? उनको तो बिठा कर रखे हैं BCCI के चैनल के मतलब हेड ऑफिस पे। तो अब नेता मंत्रियों के घर पे जो लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनिए। वो जनता के ऊपर निर्भर क्यों करते हैं? वो क्यों वोट मांगने आते हैं? तो अगर वो जनता के ऊपर निर्भर है तो जनता भी इस देश के सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, नौकरी के लिए, काम के लिए, पढ़ाई के लिए। मोदी जी एग्जांपल से देखिए, वो कितना चाय वाला से मतलब प्रधानमंत्री बना है और कितना नहीं बना है, ये इसमें भी हमको झूठी लगता है, क्योंकि ये एक आदमी देश भर में इतना झूठ बोल चुका है अपनी ज़िंदगी में कि उसको देखकर तो मतलब जो सच में झूठ बोलता है वो भी शर्मा जाएगा। कि इसीलिए हम कैसे यकीन कर ले? और जो भी उन्होंने रास्ता चुना है वो एकदम फैसिज्म का रास्ता है। वहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीति किया जाता है और धर्म के नाम पे लोगों को अलग करके क्षमता पे आए। नहीं नहीं, हिंदू बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। आज हिंदुओं को भी ज़्यादा कीमत पे राशन लेना पड़ रहा है। मतलब केरोसिन तेल का कीमत आप देख सकते हैं कि 15-17 रुपये लीटर से लेकर आज 115 रुपये हो चुका है। तो हिंदुओं भी केरोसिन तेल 115 से खरीदते हैं और मुस्लिम भी केरोसिन तेल 115 से खरीदते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ चुका है, सब्जी का दाम बढ़ चुका है, अनाज का दाम बढ़ चुका है। तो इसका इफेक्ट जैसे हिंदू पे पड़ता है वैसे हिंदू भी टाइट हो चुके हैं। बाजार में जब जाते हैं तो हिंदू मिडिल क्लास लोग भी टाइट हो चुके हैं, क्योंकि तेला लेके जाते हैं और जितना लेकर जाते हैं उससे ज़्यादा तो सब्ज़ी आता नहीं है घर पे। इसीलिए भूखमारी से हिंदू को भी ज़्यादा टाइट होना पड़ रहा है। लेकिन मंदिर से रोज़गार तो नहीं होगा। अब भीख मांग सकते हैं, लेकिन हम भीख मांगों का देश तो नहीं है। हम यहाँ पर वो आत्मनिर्भर होना का मतलब तो भीख मांगना नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, जॉब करना है, नौकरी करना है। हम देश को आगे बढ़वाना चाहते हैं, जहाँ पे रोशनी के लेकर बात होती है, जहाँ पे लाइट, सोलर लाइट से लेकर आज हम 5G की तरफ चल रहे हैं, वहाँ पे जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कैंडल जलाओ, थाली बजाओ, अंधेरा करके बैठे रहो, ऐसे वो लड़ाई करना चाहते हैं कोविड से। तो हम देश को पीछे की तरफ नहीं देखना चाहते, हम आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ये सब तो शायद सुनने में आता है, लेकिन गरीबों में ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं कि किसानों के घर पे कितने सारे आत्महत्याएं हुए थे। इसी दिल्ली शहर में किसान मतलब एक से बढ़कर एक दिन बैठे रहे धूप में, छाँव में, ठंडी में, और अपने हक के लिए लड़ते रहे। तो देश का असली जो चित्र है, जो छवि है, वो जो बोलते हैं प्रधानमंत्री TV पे आके, उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, मोदी शेर है या बिल्ली है हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि जो लोग सिर्फ बकवास करते हैं हम उनको लेकर चर्चा करना नहीं चाहते। हम लोग जानते हैं कि देश भर की युवाएं छात्र क्या कह रहे हैं, वो काम मांग रहा है, और फिर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने जो सबसे ज़्यादा बढ़िया काम किया है हमको लगता है कि वो है यहाँ के जो मतलब नौजवान है, जो जवान है, जो देश के बॉर्डर पर काम करते हैं, उनको भी उन्होंने ठेकेदारी बना दिया है, उनका जॉब भी उन्होंने छीन लिया है। तो ऐसे वो शेर बन रहे हैं और बिल्ली बन रहे हैं, हमको नहीं पता, ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन आज का जो रैली है, जो प्रोग्राम है, उससे हमको समझ में आ रहा है कि युवाएं हमारे साथ है और मोदी जी के खिलाफ देश भर के युवाएं आवाज़ उठा रहे हैं। वो इलेक्शन से पहले भी कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा, लेकिन नहीं मिला।
पश्चिम बंगाल में एक बैठी हुई है जो बोलते हैं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे इलेक्शन से पहले, और देश में एक बैठे हुए हैं जो बोलते हैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अभी दोबारा से इलेक्शन आ रहा है, फिर से झूठ बोल रहे हैं। हम इस बात पर जाना ही नहीं चाहते, हम इस सरकार को ही बदलना चाहते हैं और युवाओं के हाथ में काम देना चाहते हैं। मोदी नहीं तो ये जो देश भर में जो हमारा सरकार है वो आगे चल के सोच के विचार करके देखिए। DYFI तो मतलब सरकार गठन नहीं करती है ना, हम वामपंथी और छात्र युवा है, हम वामपंथी सोच को विश्वास करते हैं। लाल सलम ख़त्म है कि नहीं वो तो आप लोगों ने देखा यहाँ के मीटिंग में कि कितने सारे युवाएं आए, वो इंसाफ सभा जो हुए थे पश्चिम बंगाल में उसमें आप लोगों ने देखा कि लाल झंडा ख़त्म हुए है या नहीं हुए। जो नए युवाएं हैं जो छात्र हैं वो लाल झंडा पर यकीन करें और दोबारा से वो लाल झंडा के देखिए। हम कौन कहाँ जाएगा कहाँ आएगा ये तो उनका व्यक्तिगत मतामत है, सोच है।